हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो की समरी बताने वाली, जिसके राइटर हैं लुईस फिशर। लुईस फिशर ने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी थी, तो उसी का ये कुछ पार्ट है। तो वो इसमें बता रहे हैं कि वो 1942 के अंदर गांधी जी से मिले, जिसके अंदर उन्होंने गांधी जी के कुछ बातें सुनी, जिसमें वो अपनी 1917 की स्टोरी सुना रहे थे। तो स्टोरी कुछ ऐसे थी कि गांधी जी 1916 के दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था, वहां गए थे। वहां पे 2301 डेलीगेट्स थे, और ये भी उनमें से एक थे, और बहुत से विजिटर्स भी आए हुए थे। तो अब महात्मा गांधी जी बताते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण से आया था, और वो एक पीजेंट था। पीजेंट यानी कि किसान था, जो कि अपने या रेंट पे लिए हुए खेतों में काम करते हैं। और ये जो पीजेंट था, ये एक शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर्स होते हैं, पहले क्या होता था, ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, तब उस समय में ब्रिटिश जो है वो जो किसान होते थे उनसे बोलते थे कि आपने अपने खेतों के अंदर जो भी चीज़ उगाई है उसका कुछ परसेंट जो है आप लोगों को ब्रिटिश को देना पड़ता था एज अ रेंट। तो चंपारण, जो कि बिहार का एक जिला था, एक सिटी था, वहाँ पे कुछ शेयर क्रॉपर्स थे जो कि काफ़ी गरीब थे। अब उनकी सबकी प्रॉब्लम थी कि शेयर क्रॉपर्स जो थे वो चाहते थे कि ये जो परसेंटेज हम देते हैं ये देनी बंद हो जाए। अब क्या था कि ब्रिटिश शासन के अंदर उन लोगों ने इनसे सिर्फ इंडिगो की फसल उगाने को कहा हुआ था। ये लोग इंडिगो से अलावा और दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे। कुछ खेतों का कुछ परसेंटेज दिया हुआ था कि इतने परसेंट में इंडिगो की ही खेती की जाएगी, बाकी चीज़ों की नहीं, और बाकी जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसमें आप जो मर्जी उगाओ। अब क्या होता था, वो इन्हें जो इंडिगो जो ये उगाते थे वो सारा का सारा उन्हें देना पड़ता था। ऐसा करते करते इन लोगों को पता लगा कि अब धीरे धीरे सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गया है, और इनसे जो है अब इनकी खेती का जो इंडिगो था वो लेना बंद कर दिया गया। और बट इन्हें उस चीज़ के पैसे नहीं मिले। अब इन लोगों ने तो खेती की थी ना इंडिगो की, तो ये इस मुद्दे के ऊपर गांधी जी से मिलना चाहते थे। अब वो आके गांधी जी से बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ चंपारण चलें। अब गांधी जी को तो पता ही नहीं कि चंपारण है कहाँ, उनके हिसाब से तो वो नेपाल के थोड़ा बॉर्डर के ऊपर उसके पास है। तो वो बोलने लगे कि अभी मुझे बहुत से काम हैं, मुझे देश के और कई हिस्सों में जाना है, तो मैं अभी नहीं जा सकता। राजकुमार शुक्ला जी उनके साथ साथ उनके घूमते रहे, जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ वहाँ वो भी जाने लगे। और फिर एक दिन गांधी जी को लगा कि नहीं, ये बेचारा आदमी मेरे साथ साथ घूमता है, मैं इसको बोल दूँ कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो वो उससे मिलके उससे बोलते हैं कि तुम मुझे कलकत्ता में आके मिलना, और जब मैं वहाँ आऊँ तो तुम मुझे अपने साथ चंपारण ले जाना। अब ये क्या करते हैं, वहाँ से निकल के कलकत्ता पहुँच जाते हैं। कलकत्ता जाते हैं, राजकुमार जी गांधी जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब गांधी जी यहाँ आएंगे मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊँगा। फिर ऐसे ही करते करते गांधी जी वहाँ आ गए, और राजकुमार शुक्ला जी उन्हें अपने साथ पटना की ट्रेन में बिठा के ले गए। तो वहाँ पहुँच के गांधी जी बोलते हैं कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि उनके चंपारण से पहले आता है, और वहाँ पे कोई जेबी कृपलानी हैं जो कि इनके पुराने दोस्त रहे होंगे शायद, तो उनसे मिलेंगे। तो उनसे भी हम ये शेयर क्रॉपर्स के बारे में बात करेंगे, और शायद इस सिचुएशन का कोई हल निकल जाए। अब ये लोग उनके वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ जाके पता लगता है कि जेपी कृपलानी जी वहाँ नहीं हैं, और इन लोगों को बोल दिया जाता है कि आप लोग यहाँ वेट कर सकते हैं उनका। तो अब ये वेट करते हैं, और वहाँ पे इन्हें बोला जाता है कि आप उनके कुएं से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो हैं ये शूद्र नहीं थे।
तो ये अनटचेबल कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। अब क्या होता है कि जो लोग हैं चंपारण से शेयर प्रॉपर्स, वहीं उनसे मिलने आ जाते हैं मुजफ्फरपुर में और उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। उनके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, उनके पास कोई भी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बट ये अब किसी ना किसी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को बोलना चाहते थे कि प्लीज़ आप ये इनकी जो पैसे हैं वो इन्हें लौटा दीजिए। अब वो ऐसे करके एक लेटर डालते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को और उन्हें वहाँ पे बुलाते हैं। अब वो एक अच्छे नामी धामी वकील थे, वो भी आ जाते हैं, तो उनकी हेल्प से ये लोग जो है वहाँ के ब्रिटिश गवर्नर वगैरह से बात करते हैं। और फिर धीरे धीरे इन्हें पता लगता है कि वहाँ के जो वकील हैं वो इन शेयर प्रॉपर से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो गांधी जी उन्हें बोलते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम इन गरीब लोगों से इतने पैसे चार्ज करते हो। धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो सारे वकील उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस चीज़ में सुधार हो। तो अब क्या होता है कि इनकी मीटिंग है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो वो इन्हें कुछ टाइम देते हैं कि तुम आओ हमसे मिलो। तो गांधी जी उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे लॉयर्स का साथ नहीं चाहिए था, मुझे तो अपने तरीके से काम करना है, मुझे कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इस वजह से ये वहाँ नहीं जाते। तो धीरे धीरे करके इनके खिलाफ समन आते हैं। समन्स होता है कि आपके घर एक लेटर आता है कि अगर आप इस दिन कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं हुए तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इनके यहाँ समन्स आते हैं, ये फिर भी नहीं जाते। ऐसे करते करते जब ये पहुँचते हैं कोर्ट तो वो लोग तो ये वहाँ मतलब बोलते हैं कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने अपनी जो ड्यूटी है बीइंग अ लॉयर या एक गवर्नमेंट की बात सुननी चाहिए थी, मैंने नहीं सुनी, बट मुझे इंसानियत का ध्यान भी देना था, क्योंकि मुझे इन शेयर प्रॉपर्स का साथ देना था। अब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो ये उन्हें लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारा का सारा पैसा रिटर्न करने को बोलेंगे, पर ये क्या करते हैं, ये उनसे सिर्फ 50% की मांग करते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डील फाइनल करती है 25% पे। अब गांधी जी अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब नहीं था, हमें हमारी इज्जत से, हमारी प्रेस्टीज से मतलब था, कि कल को ये लोग हम पे जो है वो रूल करना बंद कर दें। अगर आज हम इनसे पूरा पैसा मांग लेते या हमें पैसा मिल जाता बट हम आज़ाद ना हो पाते, या आपसे कल फिर बोलते कि आप दोबारा से शेयर प्रॉपर्स की तरह बन के रहो, बट हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि पैसा चाहे कम मिल जाए बट हम यहाँ पे शेयर प्रॉपर की तरह काम ना करें। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है वो हट जाए कि आपकी एक परसेंटेज जो है खेत का वो एज अ रेंट जाए, वो चीज़ बंद हो जानी चाहिए। तो इस वजह से वो कम परसेंटेज पे ही मान गए, उतनी परसेंटेज ही शेयर प्रॉपर्स को वापस करवाने का फैसला लिया गया। अब चलो ये मैटर तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया था। तो इनकी जो वाइफ हैं कस्तूरबा बाई, वो क्या करती हैं, वो वहाँ आती हैं चंपारण के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ आके काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स बनवाए जाते हैं चंपारण के अंदर और मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे इनके पास 3 मेडिसिन हैं, एक कैस्टर ऑयल है, दूसरा क्विनिन है, तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट है। अगर किसी की टंग के ऊपर कोई दिक्कत है तो कैस्टर ऑयल दिया जाएगा, अगर किसी को मलेरिया का फीवर है तो उसको क्विनिन दी जाएगी कैस्टर ऑयल के साथ, अगर किसी को कोई भी स्किन इरप्शन है तो उसको सल्फर का ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल साथ में दिए जाएंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और अब क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा था ये कुछ दिनों का काम होगा बट इसने तो मेरे 7 मंथ्स ले लिए। चलो कोई बात नहीं, अब वो वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें
चार्ल्स फ्रीर एंड्रूस के साथ उन्हें लाना चाहिए ताकि वो महात्मा जी का साथ दें। वो एक्चुअली महात्मा जी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छे दोस्त थे, बट गांधी जी अब क्या बोलते हैं कि हमें उन अंग्रेजों का साथ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मेरे दोस्त क्यों ना हो, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। और इस तरीके से वो इन लोगों को एक लेसन सिखाते हैं जिसमें वो सेल्फ रिलायंस सिखाते हैं। रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे भरोसा रखना। गांधी जी ने बोला कि अगर हम खुद अपनी जंग नहीं जीत सकते, हमें खुद पे भरोसा नहीं होगा, हमें उनसे लड़ने के लिए उन्हीं के लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये गलत बात होगी। तो उन लोगों को सेल्फ रिलायंस का एक चैप्टर, एक लेसन समझाते हैं, है ना। तो इसी के साथ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और महात्मा गांधी के इन्हीं असूलों के साथ हमें आज़ादी मिलती है। थैंक यू।